हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये आपके बोर्ड में आया हुआ है। सो 2006 का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं किस तरह से करना है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक का हमें फिगर देना है इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज शेयर इट शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा के रखना सो दैट फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलो करते हैं आगे। 8th वाला सम आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, 2x-1/x = 7। सो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय एक्स, तो ये हो जाएगा 2x² -1 = 7x। सो देयरफॉर 2x² - 7x - 1 = 0। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका, ax² + bx + c = 0। सो देयरफॉर आपका a का वैल्यू हो जाएगा 2, बी का वैल्यू -7 हो जाएगा, सी का वैल्यू -1 हो जाएगा। सो b² - 4ac क्या हो जाएगा, b² - 4ac क्या हो जाएगा आपका, दिस इज -7² - 4 * a * c। सो दिस इज इक्वल टू 49 + 4 * 2 = 8, सो हो जाएगा 57। सो अभी आपको क्या करना है, रूट्स आर गिवन बाय, सो देयरफॉर रूट्स आर गिवन बाय। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है x = -b + -√b² - 4ac / 2a। सो दिस इज इक्वल टू -b = 7 + √57/2 * 2, विच इज इक्वल टू 4। अच्छा, अभी आपको रूट 57 का अपने को निकालना है, वैल्यू। ठीक है, चलो देखते हैं रूट 57 क्या है। तो रूट 57 is 7.550। सो ये आपका 7.550/4। ठीक है, सो ये हो जाएगा, या तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा आपका 7 + 7.550/4, या तो फिर x = 7 - 7.550/4। ठीक है, तो हो जाएगा 14.550/4, और x = 7 - 7.550। सो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 7 - 7.550, तो हो जाएगा 7 - 7.550, सो दिस इज 0.-0.55/4। सो अल्टीमेटली आपको वैल्यू मिल जाता है डिवाइडेड बाय 4, दिस इज इक्वल टू 0. अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.1375, और यहाँ पे आ जाएगा 14.550/4, दिस इज 3.63 6375। अच्छा, उसने क्या बोला, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये हो जाएगा x = 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब आपको खाली यहाँ तक ही रहना है, ये 3 तक ही रहना है। लेकिन इसके आगे 7 है विच इज ग्रेटर देन 5, तो आप पिछले वाले नंबर दैट इज 3 को +1 कर दोगे तो 3.64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.64। और x = यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो आप इसको 1 दे दो तो ये हो जाएगा 0.14, और वो भी नेगेटिव है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। सो ये है आपका आंसर। ठीक है, सो आपके बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम करेंगे 9th क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग 9th सम। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।